ओम दोनों क्या करता है बार बार? ओम करता है। ओम इज ब्यूटीफुल। आई नो ओम इज ब्यूटीफुल है ना। इससे कोमा हेयर करते हैं? नो, इससे पेंट करते हैं। कोमा हेयर करते हैं। अच्छा ओके। जिराफ को पेंट करेंगे? जिराफ को पेंट करेंगे, मामा करेगी। मामा टुडे विल पेंट द वॉल। मामा ने बोल दिया है कि ये सारी जो ड्राइंग है नहीं चलेगी, दिस नीड्स टू बी पेंटेड। नॉट बैड, गोल्डन से तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब अंदर रखने लायक लग रहा है राजा। अंदर। सो इट्स लाइक 1:30 एट नाइट एंड सब लोग सो चुके हैं, पर मैं थोड़ी देर से सोती हूँ। तो मैं रात को जो भी मुझे करना होता है, क्लीनिंग वगैरह जो भी, वी हैव डिवाइडेड ड्यूटीज अपने घर पे, तो जो भी मेरा काम है वो मैं करके सोती हूँ। पर अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, बट आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग गाइज। तो ये जो मिरर है, ये जब मैं मतलब दुबई में पहले भी रहती थी, जो मैं फर्स्ट जो मेरा यहाँ पे फ्लैट था जहाँ पे मैं रहती थी, मैंने अपनी नेबर से खरीदा था, वो डिज़ाइन करी थी। एंड इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू टू इट। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ इट, बिकॉज मेरा ओरिजिनली नहीं है, ये किसी और का है, पर ये बहुत ब्यूटीफुल था। ये पिंक कलर का था एंड जब हमने घर में रेनोवेशन किया था, वी थॉट आई विल मेक इट गोल्डन। I'm being the man of the house and doing all this stuff. इसके बाद मैं थोड़ी प्लम्बिंग करूँगा, then I'll fashion, वो जो मैं वुड काट के लाया हूँ उससे मैं टेबल बनाऊँगा। then I'll तुम क्या जेब प्रचेट हो? Are you excited about the new inhabitant? So, इससे पहले there was another pigeon जिसने दो बच्चे दिए, जिसका नाम था Montepinto। तो Montepinto बड़े हो गए और हम अकेले छोड़ के चले गए। And now we have आंटी आ गई है। हाँ, यहाँ पे घर बने हुए ना, one is this, एक इधर है, and then there is one here। अब बंदिगार मेरा दिमाग खाली है, बता क्या करना चाहती हो तुम? मैं पेंट करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे पता था कि हमारे घर में वुडन क्या क्या है। तो हमारा बेड वुडन है, दूर जाएगा टेबल वुडन है, मेरा ड्रेसर वुडन है, और वो बुक्स वाला कैबिनेट वुडन है, मैंने अभी अभी देखा। एंड योर ब्रेन। अब देखा, हाउ डज इट फील टू डिस्ट्रॉय समवनस आर्ट वर्क? व्हाट, दैट्स रियली बैड हां दुर्गा। इतना अच्छा है वो शार्क, तो इतना अच्छा है, दोबारा बना लोगे तुम लोग? What is your take on Avantika painting the wall? Good art. इसके पास की ना ये फालतू का काम करती, इसको बोला झाड़ू लगा पोछा लगा, यार पेंट साले को बच्चे कल झाड़ू पोछा कर आ गंदा होगा। मम्मी कहाँ पर आ गई? तू कर, तू ना कोई काम कर, मेरा धाम सारा दिन आप खड़ी हो गई है यहाँ। शीशा पेंट किया था। वो देख मेरा शीशा कितना सुंदर है। कुछ सुंदर ना, एक बीच सुंदर ना। सारे इसके हाथ में मत दिया करो बच्चा, इसके बस की नहीं है बच्चा संभालना। चाकू रखा, चाकू सब होता जिंदगी में इंस्पिरेशन चाहिए होती है सबको। ये है दुर्जय दत्ता जी, जिनको मिली इंस्पिरेशन अपनी बीवी से। No, I just don't want all of this pain to go waste.
सो मिडिल क्लास था. अब वेस्ट हो जाएगा ये पेंट, नहीं तो करना पड़ेगा. बट आई एम नॉट श्योर कि दिस पेंट इज एनफ फॉर ऑल दीस. इट्स एनफ बिकॉज़ इट्स वेरी थिक. गो दुर्जय गो. आई डोंट लाइक क्लीन पेंट्स. I want to make things a little bit better. We know that because that's what we are doing since morning. Show me your face. No, come in the light and show me your face. Show me your face. Raina, it is safe to say ki tum deadline ke bahut peeche ho. Can you quickly edit my book? We don't have time. Raina, quickly. ये ब्लैंक पेज पे स्टेयर करना ही जिंदगी है एक राइटर की. Raina. No, TATTI. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. Or P दबाओ. P. Flower. P. Flower is control. Control बटन से कुछ नहीं होगा. P दबाओ. P O T T Y. क्या हो गया? पॉटी. राइना ने पॉटी टाइप कर दिया. पी ओ टी टी वाई. सो दिस इज डे 127 ऑफ लॉकडाउन, जैसे कि इंस्टाग्राम पे सब लगा रहे. एंड आज मैंने घर में पेंट किया और पेंट करते करते आधा पेंट खत्म हो गया. सो देन आई हैड टू वेट फॉर सो लॉन्ग अपने भाई के लिए, वो लाने के लिए, पेंट लाने के लिए. पर बाद में मुझे फील हो रहा था कि जस्ट इन केस, अभी तो इतनी स्टेबिलिटी नहीं लग रही है, जस्ट इन केस ये किराए का घर अगर छोड़ना पड़ा, सो ऑल दिस एफर्ट ऑफ पेंटिंग एक्सेट्रा विल गो वेस्ट एंड देन यू विल हैव टू पे द प्रॉपर्टी ऑफिस द मनी फॉर स्पॉइलिंग द वॉल्स. बट दिस इज स्टिल बेटर आई थिंक. ये दिस इज द फर्स्ट रेंटेड हाउस दैट आई स्टे इन एंड आई डू नॉट फील दैट आई स्टे इन अ रेंटेड हाउस. It's because we don't know who owns it. Haan, because this is owned by Dubai Properties, and Dubai Properties is a company. Is a company. Yeah. So like a company owns it. तो ऐसा कोई फेस नहीं है, वरना ऐसा लगता है ना कि हाँ, मतलब अगर I mean generally किराए वाले घर पे तो ऐसा होता है ना कि मकान मालिक को पूछना पड़ता है कि okay can you fix this and they'll come and check on you. और वो judge भी करते हैं तुम्हें. करते हैं. Yeah. Bombay में तो एक Mumbai में एक घर में the first वाला घर मेरा उसमें मैं कभी कभी घर पे घुसता था एंड द लैंडलॉर्ड यूज्ड टू बी होम जस्ट चेकिंग रैंडमली इनसाइड द हाउस रैंडमली ओपनिंग कबर्ड्स वर्सोवा में रैंडमली ओपनिंग एंड क्लोजिंग कबर्ड डोर्स. फ्रिज में देख रहा था क्या क्या रखा हुआ है एंड मुझे लगता था कर सकते हैं ये, मतलब एट दैट पॉइंट इन टाइम मुझे नहीं होता था कि ये दिस इज नॉट अलाउड. Of course it's not allowed. You paying rent. How can you allow a stranger to come to your but house? But मुझे लगता था. But he used to be a little scary also. So I was like, let him do whatever he wants to do. Really, you allowed? मुझे तो नहीं याद ये बात. नहीं था एक. So yeah. उसके बाद वाला ठीक था. उसके बाद वाला ने actually book पढ़ी भी थी मेरी. Oh, तो that helps. That helps. तो otherwise so, तुम कबर्ड में अगली बारी बुक रख देते पहले के लिए वो निकाल के चला जाता. बोले दिस इज फॉर यू, ऐसे करके नोट करके लिख जाते. बट ऐसे ग्रोइंग अप ऐसे बहुत ही ज्यादा ऐसे वो होता था ना कि लाइक द फर्स्ट एम वाज टू बाय अ हाउस ऑफ योर ओन. You but you always stayed in a हाँ पर तो मतलब because my parents paid the EMIs for so long कि उनको था कि नौकरी करते ही घर बुक कर दो, शुरू करते ही घर बुक कर दो. अच्छा तो इसलिए तुम्हें लगता था कि घर होना चाहिए. हाँ but अब तो rules have changed. अब now whenever you look for investment advice everyone says that please stay on rent and do not buy a house. ऐसे अभी ये बोलते हैं. Like every young person को यही बोला जाता है कि तुम रेंट पर रहो. ऑफ कोर्स वो दिमाग में तो कैलकुलेशन नहीं होता कि जितना मैं रेंट दे रहा हूँ उतना मैं ईएमआई दे देता हूँ और फिर ऐसा वाला जो कैलकुलेशन होता है. बट मोस्ट पीपल एडवाइस पर वही ना वो घर ना खरीदना इफ यू हैव द डिस्पोजेबल इनकम. और अगर तुम खरीद सकते हो तो बहुत मुश्किल है. हाँ, तो लगेगा कि क्यों नहीं खरीदेंगे. हाँ, अपना घर तो होना ही चाहिए. कि अपना घर तो होना ही चाहिए. मुझे
कुछ एक पीरियड के लिए जब हम तो अपने भूटान में रहते थे, फिर हम इंडिया मूव हुए थे, और फिर जो जो घर की वीडियो लगाई थी उसमें मोस्ट ऑफ टाइम रहे. बट बीच में एक ऐसा फेज़ आया था जिसमें हाउ टू पुट इट पोलाइटली, घर वालों की लड़ाई हो गई थी. घर वालों में आपस में लड़ाई हो गई थी. आपस में लड़ाई हो गई थी जॉइंट फैमिली में. सो देन हम लोग रेंटेड हाउस में रहे थे कुछ 3 साल. मेरी मम्मी बोलेंगी 1 साल, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ज़्यादा टाइम था. बिकॉज ये मैं भैया से पूछूंगा, भैया विल नॉट रिमेम्बर नथिंग. ऑक्सीमोरन हो गया, बट सही मतलब बिल्कुल भैया बोलेगा, भैया बोलेगा कि मैं बच्चा ही था ही नहीं. उस घर में एक बारी चोर आ गया था और भैया बहुत रोया था. देयर थ्री डिफरेंट हाउसेज जहाँ पे हम लोग रहे थे किराए के घर पे, और ये वाला किराए का घर भी नहीं था. वो किसी ने मतलब कोई जा रहा था तो दे वॉन्टेड कि कोई आके हमारा घर वो कर ले, मतलब सेफ गार्ड कर ले. आई थिंक 2 साल ऐसे कुछ हुआ होगा कि हम बाहर रहे होंगे. एंड उस वो घर काफ़ी अगर देहरादून के होता तो मोहित नगर पहले बहुत खाली होता था, तो मोहित नगर में वो घर था एंड उसके आसपास सब जगह जंगल जंगल था. तो रात को हमारे कोई जानने वाले आए, उन्होंने बोला अच्छा बच्चे तुम ऐसे 14th August था, आई रिमेंबर द डेट, आई टेल यू व्हाई. एंड तो फिर 14th August था, संडे का दिन था, और तो हम वो मेरे पेरेंट्स गए हुए थे मेरे दादा दादी के घर पे, बिकॉज मुझे सुबह चोट लगी थी. तो वो आए गए और हम दोनों अकेले थे, तो मस्त जो भी बंदा था उसने देख लिया, तो वो आया, उसने खड़खड़ खाना शुरू किया. और वो बहुत ही बड़ा घर था एंड उसमें उन्होंने खड़खड़ करना शुरू किया, तो उसने बोला कि मुझे अंदर आना है, रानी माँ को बुलाओ. ऐसे वो ड्रंक था बेसिकली, या चोर था, गॉड नोज क्या था, पर उसको पता था कि हम अकेले हैं. तो उसने धाड़ 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 करना शुरू किया गेट पे, तो उसके बाद वो ना गेट खोल के ना अंदर आ गया, और मेरे भाई ने रोना शुरू कर दिया. मेरे भाई ने रोना शुरू किया, मम्मी और आया मम्मी, आया मम्मी, आया. तो फिर मेरा भाई ऐसे रोता है, आई मम्मी, ओयो मम्मी, ऐसे करके. और तो फिर मैंने उसको बोला कि मत रो, हम आवाज़ देंगे ना. हमारे पास तो घर में वो जो रॉड्स नहीं होती, वो पर्दे की रॉड्स होती हैं, वो घर में पड़ी हुई हैं, तो वो हम ला के रखेंगे, और ये आएगा तो हम इसको मार देंगे, क्योंकि हम लोग WWF देखते थे. तो मुझे कि ये तो आसान है. ये तो हम मार, he's one guy, we are two children, like two, you know, children, like we are still and he had no hathiyar, he was just like, you know, I told him chup ho ja pehle, chup ho ja. And I'm really amazed कि मैं इतनी strong थी. Actually मैं ऐसे बेवकूफ़ी वाली बातों में ना बहुत strong हूँ, जैसे ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ों में, जैसे मैं अपना. फिर पुलिस आ गई. नहीं नहीं कोई नहीं आया. फिर हम मैंने उसको बोला चल हम बुलाना शुरू करते हैं. दरवाज़ा तो अभी 3 दरवाजे, एक जाली का, एक कांच का और एक लकड़ी का. मैं कहा जब तक ये खोलेगा तब तक हम किसी को बुलाते हैं. तो फिर अच्छा ओके कंटिन्यू. अच्छा तो फिर हमने आवाज़ देना शुरू करा, तो साथ में कोई किसी के यहाँ कोई काम करता था वो आया, और उसने फिर उसको पीटा. फिर हमारे मम्मी पापा आ गए, तो मम्मी पापा स्कूटर पे आ रहे हैं, उनको किसी ने बोला आपके बच्चे बच गए. बोले किसके बच्चे? हमारे बच्चे, हमारे बच्चे तो ठीक है. घर आए तो पता चला हमारे घर में somebody was trying to enter, but it was really funny. How I remember 15th August था, क्योंकि next दिन मैं स्कूल में बताना चाहती थी बच्चों को, बट मुझे एक ही बच्चा मिला बताने के लिए ये स्टोरी. एंड somehow मेरा ना मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है टू टेल स्टोरीज. आई डोंट नो इफ आई लाइक आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स. नो बट नाउ पीपल से दैट यू यू टेल वेरी गुड स्टोरीज. हाँ थैंक यू. अच्छा बट टेल मी समथिंग, कि अगर अब जैसे तुम्हारे देहरादून में घर है तो तुम्हारा घर है ठीक है, पर इफ यू हैड टू रेंट इट आउट तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? जो जहाँ पे, अच्छा जहाँ पे पापा है अभी यहाँ पे, या फिर 113? 11 नॉट 113, अभी जहाँ पे पापा है. यार मैंने रहा नहीं है तो मेरा ऐसा वाला सेंटिमेंट नहीं है उससे. अच्छा. समझ रहे हो? पर मम्मी तो नहीं, आई एम नॉट श्योर कि कैसे होगा, आई कांट से. बट तुम्हें तो बुरा लगता है ना कि अगर तुम्हारे घर, मतलब जैसे, हाँ मतलब मुझे तो अजीब, तो इसलिए कभी रेंट पे दिया भी नहीं, क्योंकि मुझे फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो इट्स ऑल माय मेमोरीज, हाउ कैन दे हाईजैक दैट प्लेस. नो इफ आई बाय समथिंग एंड देन आई गिव इट ऑन रेंट विदाउट स्टेइंग देयर, तब फिर ठीक है, उसमें कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता. हां एग्जैक्टली. फिर उसमें देयर इज नो इमोशन अटैच्ड, लाइक मॉम डैड सोल्ड आउट देयर हाउस, द ओल्ड हाउस, तो फिर हाउस के अपार्टमेंट. एंड तो मुझे अब मैं जाता हूँ तो उन्होंने ऑलरेडी बाहर से पेंट कर दिया है, एक आधी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया आसपास. तो तुमने जज किया नहीं फटाफट?
जज तो गया, वो तो हमने भी कर रखी थी पर फिर मुझे लगा हाँ ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, हाँ, तो हमारे घर के साथ, हमारे घर के साथ ये तो मतलब फिर ऐसा लगता है ओ नाउ दैट बेडरूम डजंट लुक लाइक माय बेडरूम एनीमोर, नॉट माय बेडरूम आवर बेडरूम, बट जावे तुमने बुक लिखी थी, जावे मैंने बुक लिखी थी फर्स्ट बुक, मैंने देखी भी थी वो, फर्स्ट बुक ऐसे, हाँ बट फर्स्ट बुक डेस्कटॉप पीसी पे, हाँ इतना कूल होता था, मैं वो लेकर आता था, आई टोटली ना कि जब वैसे प्रिंट आउट लिखा था तो ऑफकोर्स घर वाले को तो नहीं पता था मैं बुक लिख रहा हूँ, सो आई यूज टू, एंड प्रिंट आउट तो बहुत महंगा होता था, पाँच रुपए का एक पेज, एंड 10 रुपीज वो यूज टू बी लाइक अ कलर्ड पेज, हमारे वहाँ तो 1 रुपए का होता था, नहीं लेटर 1 रुपए का होता था, अब शायद 1 रुपए का तो नहीं होता, आई एम नॉट श्योर, इन एनी केस तो मैं पापा को भेजता था विद द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ अ फिजिक्स बुक, लास्ट फ्यू पेजेस ऑफ फिजिक्स बुक, और बीच में पूरी बुक, खुद भी नहीं निकालते, बाबा मस्ट, ही मस्ट टेल समवन कि इसका प्रिंट आउट चाहिए, और फिर तो फिर बाबा क्या चेक करेंगे, वाओ दैट इज सो स्मार्ट, दैट इज सो स्मार्ट, बट आई थिंक रेंटेड हाउस में ये जो फीलिंग होती है कि if you want to physically change something you can't do that like let's say I want to have this window yahan pe ye pura kaanch ka mujhe chahiye ye thodi kar sakte apne ghar mein kar sakte hain par rented mein wo bhi to hota hai like hamara ek kafi kafi acha ek past time hai jab hamare paas kuch nahi hota karne ke liye to hum aas paas aise ghar dekhne chale jate hain ki hamari lease 2 mahine purani hai but still we go out and we just scout out places that we can and shift we saw to. One house it is wo so to beautiful bahut sundar hai par wo bahut mehenga hai wo matlab 25% mehenga hai aur abhi to aur fir humne na ek hafte tak apne ghar ko na pasand bhi kiya to bole ki humne shoot wood nahi abhi bhi karte hain ki ye cheez agar hum us ghar mein hote na to ye cheez nahi hoti pakka nahi hoti usme koi problem nahi hai wahan pe har jagah se light aati hai wahan pe sab kuch hai wahan pe space bhi bahut zyada hai wahan pe ek bar main shift hota to aisi book likhta haan wahi matlab wahi jo cheez hoti hai but house help nahi hai to agar bade ghar mein hote to aur bhi band baj jati haan तब तो काफी अभी ऑलरेडी बैंड बजी हुई है एंड अभी 2-3 दिन से वी हैव जस्ट नोटिस्ड कि रायन हैज बिकम सुपर क्रैंकी लाइक आई थिंक इट्स बिकॉज़ ऑफ स्टेइंग एट होम और जो भी नो इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ स्टेइंग एट होम इट्स बिकॉज़ कि पहले कांस्टेंटली गिविंग अटेंशन और दैट वी आर नॉट गिविंग इनफ अटेंशन क्योंकि अब 3 में से 2 बंदे हमेशा कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे होते हैं घर का तो विच मीन्स दैट ओनली 1 पर्सन हैज टू एंटरटेन हर एंड शी गेट्स बोर्ड ऑफ दैट 1 पर्सन एंड देन शी गेट्स क्रैंकी ओह नो आई थिंक इट्स बिकॉज़ ऑफ कांस्टेंटली अटेंडिंग एंड अर्लियर ऑन तो शी वुड गो आउट और अपना चीजें कैन यू स्टॉप सेइंग बैड थिंग्स अबाउट रायना इट द फॉल्ट इज विद अस ओके श्योर गो स्टैंड ऑन द वॉल बाय द वे मैं ही एक लौती जो पनिशमेंट देती हूँ रायना को और घर में और कोई नहीं देता एंड मुझे विलन बना देते हैं ये लोग बोलते हैं कि तुम इतना पनिशमेंट क्यों देते नहीं आई आई टेल यू द प्रॉब्लम इज व्हाट इज द प्रॉब्लम अवंतिका को चाहिए कि वो ग्रोन अप बिहेवियर शुरू कर दे अभी से बिल्कुल ऐसे प्रॉपर एटिकेट्स एंड सॉफ्ट स्पोकन मतलब तुम खुद ही सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो उससे कैसे एक्सपेक्ट करती हो खुद तुम 3 बार ही चिल्लाती हो लोगों पे और तुम जाती हो कि रायना बिल्कुल किसी पे ना चिल्लाए आंसर में यार अब चिल्लाना इज ओके पर छोटू बूबी को चिल्लाना तो इज नॉट ओके व्हाटएवर ओके दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड तुमने आई एक्चुअली वॉच्ड 2-3-4 यूट्यूब वीडियोस ऑफ अदर पीपल और मैंने क्योंकि मैं किसी का यूट्यूब देखती नहीं हूँ एक्चुअली सिवाय एक का कृतिका खुराना नहीं नहीं शी वाज शेखर गुप्ता नो ओके नॉट शेखर ओके टेल देम द एंटायर ट्रूथ ऑन ये देखते हैं विरल भयानी नहीं विरल नहीं देखते विरल अच्छा नॉट विरल बट व्हाट डू यू वॉच ई स्पॉट बॉय एंड अदर वन शेखर गुप्ता नहीं दैट विक्की लालवानी हु इज दैट हंगामा टीवी हाँ जो भी है वो और वो हाँ
मतलब कोई भी किसी भी एक्टर का कोई भी फिल्म कंपेनियन कोई भी एक्टर का कोई भी इंटरव्यू है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि अवंतिका ने वो ना देखा हो. एनी एक्टर एनी एक्ट्रेस एनी इंटरव्यू, सो दैट इज व्हाट शी वॉचेस. बट यू डिड दैट थिंग वेरी नाइसली वेर यू आस्क्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, सो कैन यू डू दैट अगेन? या कैन यू प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज इट्स नाइस. दैट नो दिस वॉज इट इट यू सेड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी. No, don't do that. Just comment. That's very please, please, please subscribe. That is a better one. It's important. Main ludo khelne ja raha hu. Bye. Bye.